अभी कुछ दिनों पहले एक नव युवती थी जो सत्संग में 3-4 साल से आ रही थी, उसने वो एक भरे पूरे परिवार की थी। उसने एक प्रश्न किया कि आपकी प्रार्थना में एक पंक्ति है कि मात पिता सुत भ्रात भार्या कोई साथ न जाएंगे, इस पाक कुंभी नरक में कोई हाथ ना बटाए। बोले मुझे ये समझ नहीं आती, मेरे तो माता पिता पति सब हैं, तो ये उसका उस समय उत्तर मैंने पूरा दिया नहीं। वास्तव में ये जो प्रार्थना है, ये जो उसकी पंक्ति है, ये साधक के इस जन्म में तो है ही, लेकिन उसके जो मृत्यु है, मर जाने के पश्चात उसके लिए गुरु महाराज ने एक स्वप्न के लिए उन्होंने लिखा है कि एक महात्मा थे, उन्हें एक स्वप्न आया और वो स्वप्न इस प्रकार था कि मेरी मृत्यु हो चुकी है और मेरे को यमराज के जो गण हैं वो मुझे घसीटते हुए ले जा रहे हैं और उन्होंने मुझे यमराज के कक्ष में लाके खड़ा कर दिया। वहाँ यमराज के दरबारी मौजूद हैं और अनेक स्त्री पुरुष भी मौजूद हैं, उनकी गवाही चल रही है। थोड़े समय पश्चात मेरा भी नंबर आया और धर्मराज ने मुझे पूछा कि बोलो तुम्हें अपने बारे में क्या कहना। वो बोले कि मैंने जो महात्मा थे वो अपने जो उन्होंने जीवन में किया था उसके लिए उन्होंने धर्मराज के समक्ष वो गवाही दी कि मैंने अपने जीवन में ये सारा धर्म का पालन किया, मैंने सत्कर्म करने का पूरा प्रयत्न और उद्योग किया, लेकिन मैं जैसा भी हूँ वैसा आपके समक्ष उपस्थित हूँ और मैं उसमें जितना सत्कर्म करने में मैं जितना सफल हो पाया हूँ वो आपसे अधिक कौन जान सकता है। यमराज बोले कि जब प्राणी मर के मेरे समीप आता है तो उसका सूक्ष्म शरीर खुद उसके कर्मों की गवाही देता है और उसके उसी से मैं अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि इसके कितने बुरे कर्म हैं और कितने अच्छे कर्म। मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम्हारा बाहरी कर्म तो बहुत अच्छा रहा, तुम संसारी लोग तुमको महात्मा भी कहते रहे, लेकिन तुम्हारे दिल में कुवासनाएं रही, अपनों के लिए तुमने तुम्हारे दिल ने कभी पवित्रता और शुद्धता के लिए नहीं सोचा, तुम्हारे चित्त के ऊपर न जाने कितनी
कुवासनाएं सांपों की तरह लपेटे खड़ी। वो महात्मा बोले कि मैं जैसा भी हूं आपके सम्मुख, और ये सही है कि मैंने बाहरी रूप से तो अपने को अच्छा करा, लेकिन अंतर से सफाई करने में मैं असफल ही रहा। आप जैसा चाहें वैसा मैं भोग नरक का भोग करने के लिए तैयार हूँ। मुझे जितना जल्दी हो निर्मलता को प्राप्त करना। वो धर्मराज ने कहा कि शारीरिक पापों से अधिक मानसिक पापों का दर्जा है, इसलिए तुम्हें नरक को भोगना होगा और तुमको निर्मल करेगा। उनके यमराज के गण उनको लेकर के रौरव नरक की ओर गए। वहाँ घुसने को थे कि जो उसके अंदर जो प्राणी थे वो कहने लगे कि ये तुम किसको ले आए हो, इसमें से बहुत दुर्गंध आ रही है, इसको यहाँ से ले जाओ, नहीं तो हम सब यहाँ न रह पाएंगे। ये मनसा पापी है, इसको दूर हटाओ। और उन्होंने किसी भी तरह से गणों के प्रयास करने के बाद भी उसको उनको घुसने न दिया। और उसके बाद उन्होंने जब बहुत प्रयास किया तो वो गण वापस उनको यमराज के कक्ष में ले आए, यमराज के सम्मुख पेश किया गया। तो यमराज ने कहा कि ये कैसी, तुम मेरे को संकट में डाल दिया कि तुमको तो नरक वाले भी तुमको लेने को तैयार नहीं है। अब मेरे पास एक ही रास्ता है कि तुमको मैं पृथ्वी के निम्न लोकों में, निम्न योनियों में तुम्हें भेज दूँ और तुम उसमें घूमते अपने को एक दिन निर्मल कर लो। तो वो जो महात्मा थे वो बोले कि ये नहीं हो सकता, मैं दृढ़ निश्चय करके आया हूँ कि मैं अब पृथ्वी लोक पे वापस नहीं जाऊँगा। और यमराज ने भी देखा कि वो साधना करे हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि जो ध्यान हम करते हैं उससे शास्त्रों में आया है कि वो सरकंडे की जो सींक होती है उसके आगे जो फल होता है, उसकी बालियां जो सरकंडे की होती हैं उसको अग्नि के पास ले जाते ही वो एक क्षण भर में भस्म हो जाती है। ऐसे ही शास्त्रों में ध्यान का बतलाया गया है कि सही ध्यान से जो जन्मों जन्मों के संस्कार हैं वो ध्यान लगते ही दग्ध होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए जो ध्यानी और साधक होते हैं उनके संस्कार क्षय होना, ध्यान के गुरु के ध्यान करते ही दग्ध होना शुरू होते हैं। ये ध्यान की उपयोगिता है। यमराज ने देखा कि उनके उनमें वो सब गुण मौजूद थे, वो पेशोपेश में पड़ गए और वो सोच ही रहे थे कि क्या करें, ये इसका कैसे इसके भोगों का निवारण किया जाए। तभी ये उनके कक्ष में एक शब्द हुआ और एक प्रकाश के रूप में सब ने देखा कि दिव्य आकृति चली आ रही। यमराज ने उनको प्रणाम किया और उनको आसन दिया। वो दिव्य तेजधारी पुरुष, वो जब उन्होंने महात्मा ने देखा तो
वो उनके गुरु थे। वो गुरु यमराज के सम्मुख आए और बोले कि ये मेरा ही हंस है, इसको मुझे दे दो। वो महात्मा जी उनके चरणों पे गिर गए और उन्होंने उनके सर पे हाथ फेरा और बोले कि चलो। यमराज की वो भी जो कठिनाई थी वो भी दूर हो गई और वो गुरु उनको अपने निज धाम में ले गए। इसलिए उनका वहाँ पर वो स्वप्न टूटा, देखा वही पलंग है, वही स्थान है, वही वो है। गुरु हमको इस तरह से जीवन में तो कहा गया है कि कोई काम ना आएगा, लेकिन जीवन के बाद भी जब हम इस तरह की परेशानी और कठिनाई में पड़ जाएंगे, कमियां हम में हैं, हम में रहेंगी, लेकिन उसके बाद भी गुरु हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। उनका वरद हस्त हम पे, इसीलिए कहा गया है गुरु का संबंध जन जन्मांतर का है। ये संबंध गुरु के अच्छा लगने से शुरू होता है, गुरु से प्रीति से शुरू होता है और वो होते होते आत्मिक संबंध में बदल जाता है। गुरु के अच्छा लगने और गुरु की ओर चलने को ही आत्मा की ओर चलना कहा गया है। शुरू से ही उनको उनके प्रति प्रीति और उनका अच्छा लगना ही मन का लगना बतलाया है। वो ही उसी गुरु के शब्दों को, गुरु की वाणी को और गुरु के दर्शन को, उनके सत्संग को, यही रास्ता है कि हम गुरु से अपना आत्मिक संबंध ऐसा जोड़ लें कि वो जीवन के और जीवन के पर्यंत भी हमारी रक्षा करते रहें।